आज हम बना रहे हैं पालक पनीर तड़के के साथ। बड़े साइज़ की 2 गुच्छी पालक। पालक साफ और ताज़ा होना चाहिए। पालक के डंठल काट लीजिए। पालक को काटकर यह देख लीजिए कि उसके अंदर कीड़े लगे हुए पत्ते नहीं होने चाहिए। पालक को 2-3 बार अच्छी तरह पानी से धो लीजिए। पालक की मिट्टी पूरी तरह निकल जानी चाहिए। पालक को अच्छी तरह धोने के बाद कुकर में डाल लीजिए और आधा ग्लास पानी डालकर पालक में 2 सीटियां लगाने तक पका लीजिए। कुकर की गैस रिलीज हो जाने पर ढक्कन खोलें और पालक को ठंडा करने के लिए करछी की मदद से एक पैन में डाल लें। जब पालक पूरी तरह ठंडा हो जाए तब उसको एक मिक्सी जार में डालकर बारीक पेस्ट बना लें। मैंने घर का बना हुआ ताज़ा पनीर इस्तेमाल किया है, जो कि 1.5 लीटर दूध से 250 ग्राम पनीर बना है। आप बाज़ार का पनीर इस्तेमाल कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पनीर बनाने की विधि लिंक देख सकते हैं। इस रेसिपी में यदि आप घर के बने पनीर को इस्तेमाल करेंगी तो पालक पनीर का टेस्ट डबल हो जाता है। प्याज को टुकड़ों में काट लें और साथ ही लहसुन की कलियां डालकर बारीक पेस्ट बना लें। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को पतला काटकर जार में डालें और इसका भी बारीक पेस्ट बना लें। कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून तेल डालकर गरम करें और आंच को मीडियम रखें। प्याज का पेस्ट डाल दें। चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दें। जब प्याज सुनहरी हो जाए तब उसमें अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। 2-3 मिनट तक या फिर मसालों से तेल अलग हो जाने तक भून लें। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी चीज़ों को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लें। पालक की प्यूरी डालें और मसाले में अच्छी तरह से मिला दें। 2-3 मिनट चलाते हुए पकाएं। एक बाउल में 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा डालें और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक घोल बना लें। घोल में गांठें नहीं होनी चाहिए और पतला घोल बनाकर तैयार करें। तैयार घोल को जब हम पालक में डालेंगे तो इससे पालक का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और रिच फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनकर तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरह घोल तैयार करें। जो पालक की प्यूरी कढ़ाई में है उसमें हमने अभी पानी ऐड नहीं किया, इसीलिए अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। हम इसी घोल को पालक में डाल देंगे। ध्यान रहे, लगातार चलाते हुए पालक को उबालना है, नहीं तो आटे की गांठें पालक में बन जाएंगी। आप पालक को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकती हैं। यदि पालक आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। पालक को 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद उसमें पनीर के कटे हुए क्यूब्स डाल दीजिए और एक उबाल आने पर गैस को बंद कर दें। अब हम पालक पनीर में तड़का लगाएंगे। एक चमचे को गर्म करेंगे और गैस बंद कर दें। 1 टेबलस्पून देसी घी डालें, कटी हुई 4-5 लहसुन की कलियां और 2 साबुत लाल मिर्च डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें और तुरंत तड़का पालक पनीर के ऊपर डाल दें। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप इस रेसिपी में इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। लहसुन के तड़के वाला पालक पनीर बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए।
खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए।